हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों का जिनको वाटर रिटेंशन का बहुत मैसिव इश्यूज़ हैं, जिनको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन अच्छे से पास नहीं होता एंड जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, जिनका क्रिएटिनिन जो है वो हायर लेवल पे जा रहा है बट अभी इतना कंट्रोलेबल है कि वो बाउंस बैक कर सकता है, विच मीन्स 1.4 के नीचे है बट 1.2 1.3 के आसपास है। आज की वीडियो में हम आयुर्वेदा की सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है एक रेमेडी के बारे में बात करेंगे, एक औषधि के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है गोखरू एंड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिबुलस। नाउ गोखरू जो है वो बहुत सिंपल चीज़ है एंड बहुत इजीली मिलता है हर जगह, अमेज़ॉन पे भी मिलता है, आप लोकल ग्रॉसरी पे जाओगे वहाँ पे भी मिलता है एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी डीप नॉलेज नहीं है कि ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसकी टी कैसे बनाई जाती है, इसको कैसे आप रूटीन में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। जिन जिन फीमेल को बहुत ज़्यादा यूटीआई का इशू रहता है, जिनको यूरिन में मैसिव इन्फेक्शन रहता है, जिनका यूरिनेट अच्छे से पास नहीं होता या जिनको वाटर रिटेंशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ये वीडियो उनके लिए है। नाउ गोखरू जो है वो अमेज़ॉन पे मिलता है, विच मीन्स वहाँ से मोटा मिलता है एंड अगर आप पतंजलि पे जाओगे वो फ़िल्टर करके साफ़ करके बहुत छोटे छोटे गोखरूज देते हैं, दाने होते हैं, कांटेदार दाने होते हैं जो कि अगर आप हाथ पे लोगे एंड उसको केयरफुली लाइक बहुत ध्यान से हाथ में लेना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको कट्स दे सकते हैं। गोखरू क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, वेट लॉस में किस तरीके से आपको मदद करता है, आपकी स्किन में किस तरीके से मदद करता है और ऑफकोर्स आपके मेटाबॉलिक रेट पर कैसे वर्क करता है। नाउ गोखरू जो है वो सबसे असरदार काम करता है किडनी पे, यूरिन इन्फेक्शन पे, यूरिक एसिड पे एंड वाटर जो वेट है आपकी बॉडी के अंदर, जो एक्सेस में वाटर होल्ड हुआ है, तब आपकी बॉडी को उससे फिल्टर करने के लिए, निकालने के लिए गोखरू बहुत अच्छा काम करता है। ना गोखरू के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो बॉडी को फिल्टर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिन जिन लोगों का बहुत जल्दी फाइन लाइन्स आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेके आँखें अंदर गड़ चुकी हैं और जिनकी फाइन लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको जिनका फेस का ग्लो बिल्कुल गायब हो चुका है, जिनका स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो डार्कर होता चला जा रहा है, उन लोगों को डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, विच मीन्स बॉडी को फिल्टर करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए गोखरू का पानी जो है अमृत की तरह वर्क करता है क्योंकि वो आपकी बॉडी से इतना फ्रीक्वेंट यूरिनेट पास करा देता है, आप खुद पर्सनली लाइट फील करते हो। यूरिक एसिड जिनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मैं अपनी मदर को गोखरू देती थी जब उनका किडनी फेलियर का स्टेज था, जब उनका क्रिएटिनिन 2-3-4 क्रॉस हो रहा था, तब भी हमको बहुत बेनिफिट मिला था, जो हमारे को डायलिसिस पे जाना पड़ रहा था इमीडिएटली, तो विद द हेल्प ऑफ गोखरू वो 3-4 साल हमारी जो डैमेज किडनी थी वो स्ट्रेच हो गई थी, तो 4-5 साल हमारा जो किडनी है वो डैमेज किडनी पे ही हमने सर्वाइव कर लिया था विदाउट एनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। सो गोखरू की हेल्प से हमें यहाँ तक भी हेल्प मिली थी। नेक्स्ट, जिन जिन लोगों को स्टमक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, जिनको अल्सर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका बॉडी में बार बार कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको लूजेस बहुत ज़्यादा लगते हैं या फिर जिनको IBS का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ये जो गोखरू है उसका पानी उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ गोखरू किस तरीके से आपने अपनी डाइट में ऐड करना है और किस टाइम इसको लेना और किस टाइप से आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, गोखरू का डिटॉक्स वाटर बनता है, गोखरू की टी बनती है। नाउ गोखरू की जो टी है वो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था बट आज मैं प्रॉपरली बताऊंगी। गोखरू की टी हम इवनिंग टी के टाइम पे ले सकते हैं या रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। इवनिंग टी में जब हम लेंगे तब उसके बाद का जो आपका पानी का इंटेक होना चाहिए वो 1 से 1.5 लीटर होना चाहिए इवनिंग के 5:30 बजे के आसपास जब हम अपनी टी ये ले रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के बाद ये असर करना स्टार्ट करती है और आपको बहुत ही बार बार यूरिनेट पास कराती है। अगर आप इसका डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं जो कि हम रात को बनाएंगे और मॉर्निंग में इसको पीना स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर आप उस दिन अपने घर पर रहिएगा बिकॉज आपको बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ सकता है। जो डिटॉक्स वाटर है वो हम छान कर लेंगे बट इसको कब तक लेना है, कैसे लेना और कितने दिन लगातार लेना है, गोखरू की जो टी है वो 7 डेज आप लगातार ले सकते हो, उसके बाद थोड़े दिन ब्रेक कीजिए, देन अल्टरनेट डे लीजिए, रेगुलर बेसिस पे आप इसको नहीं लेंगे। जब 7 डेज रेगुलर लिया, थोड़ा सा ब्रेक किया, देन उसके बाद थोड़े थोड़े दिन के बाद आप अपनी हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ डिटॉक्स वाटर जो होता है गोखरू का वो वीक में 2 बार आप ले सकते हो 3-3 दिन के गैप पे। फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे को लिया है, अगर आप फ्राइडे को उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, इस तरीके से फ्राइडे या थर्सडे को आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिटॉक्स वाटर को अपनी डाइट में ऐड करेंगे एंड डिटॉक्स वाटर आप वीकली 2 बार ले सकते हैं, उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है और ना ही ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, आयुर्वेदा की चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके फैट बर्न करने के लिए, बॉडी से एक्सेस वाटर वेट निकालने के लिए।
बहुत सारी चीज़ें, मेरे मेंबर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट उनकी बॉडी में वाटर फैट इतना ज़्यादा होता है क्योंकि उनको यूरिनेट ढंग से नहीं हो रहा होता. वो हर एक चीज़ कर रहे हैं, लो कैलरी पे भी जा रहे हैं, लो कार्ब भी कर रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं, बट स्टिल उनका वेट जो है वो तस से मस नहीं होता. तब हम अगर उनको गोक्रू ऐड करवाते हैं या फिर आप भी अपनी डाइट में अगर गोक्रू का पानी ऐड करते हो, आपका वेट जो स्टबन वेट है, जो स्टक वेट है, जो क्योंकि वो स्टक कहाँ पे हो रहा है, या तो आपकी डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर आपकी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड हुआ हुआ है. तो जब वाटर निकलना चालू हो जाएगा आपकी बॉडी से, एक्सेस वाटर जो होल्ड हुआ हुआ है, तब जाके आपका जो वेट है वो हिल जाएगा और वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. सो हमको अपने आप को लो कार्ब डाइट पे या लो कैलरी डाइट पे नहीं डालना. हमें जस्ट एक चीज़ समझनी है कि हमारा वेट नहीं जा रहा, उसके स्पेसिफिक कारण क्या है. सो अब गोखरू की टी कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में एंड डिटॉक्स वाटर. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं गोखरू की चाय. एंड यहाँ पे ये लिया है मैंने 1.5 कप जितना पानी. एंड ये जो पानी है ये पहले ही गर्म पानी है. और ये रहा हमारा गोखरू, ये मैंने पतंजलि का लिया है, बट आप लोग नॉर्मल अमेजोन से ऑर्डर करना बिकॉज इसके बहुत छोटे से हैं. एंड अमेज़ॉन का जो मेरे को पैकेट मिला था वो बहुत ज़्यादा बिग थे और वो बहुत कम क्वांटिटी लंबे टाइम तक चल जाती है. सो इसके अंदर मैं डालूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, 1 चम्मच जितना गोखरू. और अगर आपके बिग आपको मिल रहे हैं देन मेक श्योर आप 10 से 12 दाने ही यूज़ करेंगे 1 कप चाय के लिए. अब हम इसे उबालेंगे बहुत ही अच्छे से. ओके, अब साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ और इसको अब हम उबलने देंगे 1 से 2 मिनट और. ओके, सो हियर वी गो, टी इज रेडी. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे डिटॉक्स वाटर गोखरू का. सो मैंने 1 लीटर पानी के अंदर रात को 2 करछी, दिस इज माई स्मॉल, ये मेरी छोटी करछी है, 2 करछी मैंने गोखरू डाल के इसमें रख दिया था. मॉर्निंग में इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है और ये इस तरीके से दिख रहा है. अब इसको स्ट्रेन करके हम पीना स्टार्ट करेंगे. ये 1 लीटर का पानी है जिसको हमने डिटॉक्स वाटर बनाया है गोखरू का. एंड इसके अलावा आप उस दिन नॉर्मल पानी जो पियेंगे 2.5 से 3 लीटर पियेंगे. सो टोटल वाटर का इंटेक हो गया 3.5 से 4 लीटर. एंड ये जो पानी आप पियेंगे मेक श्योर आप घर पे रहें बिकॉज इसके बाद आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली वॉशरूम यूज़ करना पड़ सकता है. एंड ये जो वाटर है ये थोड़ा सा कड़वा होगा टेस्ट में, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, थोड़े से फेनल सीड्स भी डाल सकते हैं, बट इसको अगर एज इट इज़ लेंगे तो इसके ज़्यादा बेनिफिट है. सो ये रहा हमारा गोखरू का डिटॉक्स वाटर. सो मेरा ये सजेशन रहेगा, आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं और आप खुद पर्सनली भी अपना जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड वर्क है, every 3 or 4 months के अंदर रिपीट कराएं. आपका पूरा क्रिएटिनिन क्या चल रहा है, आपका लिवर का फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, आपका विटामिन D3, B12, आयरन, फेरेटिन, हर एक चीज़ प्रोफाइल, अपनी लिपिड प्रोफाइल तक आप अपना चेक कराएं. क्योंकि तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पर दिक्कतों में हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स को आप क्योर कर सकते हैं. अगर आप बहुत ही लेट है, जैसे कुछ मेंबर्स मेरे पास आते हैं 2 साल तक कोई ब्लड वर्क ही नहीं हुआ, 1 साल तक कोई ब्लड वर्क नहीं हुआ, फिर जब रिपोर्ट्स आती है तो एक ही बारी में पटाखा बज जाता है और उसके बाद फिर भंडा, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, फटाफट ठीक कर दो, ऐसे नहीं होता. सो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे अपने आप को चेक कराते रहिए कि आपको एक बॉडी में अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो भी रही है तो स्टार्टिंग में उसको पकड़ लो, एंड तक उस पर नहीं जाएंगे. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. अपने घर में गोखरू लेकर आओ, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको साथ शेयर करो एंड सबको बीमारियों से दूर रखेंगे, सब हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे. सो या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय.